और इसमें अभी हमारा नौवां अधिकार चल रहा है और उस नौवें अधिकार का भी मंगलाचरण एक बार पढ़ लेते हैं। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करन नमो तुत शिव भूप। ये नौवें अधिकार में हमारी जो बात चल रही थी वो ये है कि आत्मा का हित सुख है और सुख खोजने के लिए यह जीव संसार में निरंतर कुछ ना कुछ प्रयत्न कर रहा है। सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक जो भी गतिविधि हम करते हैं वो सुख के लिए कर रहे हैं। हम सोते हैं तो सुख के लिए, जागते हैं तो सुख के लिए, खाते हैं तो सुख के लिए, कमाते हैं तो सुख के लिए, सब कुछ सुख के लिए कर रहे हैं। और फिर भी यदि सुख ना मिलता हो तो उसके लिए किसी भी शर्त पर, चाहे मरने मरना भी पड़े, जड़ शरीर का होना पड़े, अचेतन भी होना पड़े, तो भी मंजूर है। क्यों है? क्योंकि हमारा लक्ष्य तो सुख है। हर जीव सुखी होना चाहता है। सुबह से शाम तक जो भी गतिविधि, जो भी कुछ भी करता है, हर चीज के पीछे उसका एक ही उद्देश्य है, जो सुख है। मैंने पिछली कक्षा में आपको कहा था एक मूवी के बारे में, मैं आपको भेज नहीं पाया, आज शायद मैं ध्यान रखूंगा उसको भेजने की। वो मूवी बहुत अच्छी है, उसमें यही समझाया है कि जगत की सामग्रियों में सुख किस प्रकार नहीं है, इस चीज को समझाया है। और वो मूवी का नाम है एक चीज मिलेगी वंडर। वो बढ़िया अच्छी मूवी, आप देखिएगा उसको। तो अभी मोक्ष में सुख है, किसी जीव का इस बारे में एक प्रतिपक्ष में उत्तर, प्रतिपक्ष यानी कि प्रश्न है, एक तरीके से डाउट है। वो ये कहता है कि हमें मोक्ष क्यों जाना, हमें तो यही सुख मिल जाएगा, हम तो यही सुख जैसा महसूस करते हैं, जैसे हमारी इच्छा के अनुसार काम बन जाए हम तो खुश हो जाते हैं। हमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल गई, बंगला चाहिए, बंगला मिल गया, हम तो यही सुखी, हमको क्या जरूरत है मोक्ष जाने की, ऐसा किसी का कहना है। तो उसको पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि यदि तुम्हारी इच्छा के अनुसार सर्व कार्य हो रहे हों तब तो आप यही ठीक है, बराबर है, लेकिन सब कार्य तो अपनी इच्छा अनुसार होते नहीं है। कभी कोई काम अपनी इच्छा से होता है और कभी नहीं भी होता है। तो सारे पदार्थ तो कभी हमारी इच्छा के अनुकूल परिणमित नहीं होते हैं, ऐसा ये वस्तु स्वरूप है। इसलिए मोक्ष ही वास्तविक हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि मोक्ष में ही हम पूरी तरह सुखी हो सकते हैं। जगत के पदार्थों में हम हेर फेर करके सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि सभी अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। कोई चाहे कि ऐसा हो जाए, कोई चाहे वैसा हो जाए। पिछली कक्षा में एक कहानी सुनाई थी, एक किसान की और एक कुम्हार की, कि ये दोनों की जीवन में जो इच्छाएं हैं वो आपस में एक दूसरे के विरुद्ध इच्छाएं हैं। यदि हमारी इच्छा पूर्ति हो रही है तो हो सकता है किसी दूसरे की नहीं हो रही है, दूसरे की हो रही है तो हमारी पूर्ति नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि संसार में कोई ना कोई निरंतर दुखी बना ही रहेगा। और जो कभी कभी हमारी इच्छा के अनुसार काम हुआ जैसा दिखाई देता है, वो भी हमारी इच्छा से नहीं हुआ, ध्यान रखना। कभी कभी हमको लगता है कि जैसा हमने सोचा वैसा हो गया, लेकिन जैसा सोचा वैसा भी हमारे सोचने के कारण नहीं हुआ, वो उस समय वैसा ही होना था और वैसा ही हमने बाय लक सोचा था। इसलिए वो काम हमारी इच्छा अनुसार हुआ जैसा लगता है और हम उससे अपने आप को सुखी मान लेते हैं, लेकिन वो भी वास्तव में हमारी भूल है। कुल मिला के संसार में जो भी सुख है वो सब तात्कालिक है, क्षणिक है, पराधीन है, परवश है, बाधा सहित है, इंद्रिय है यानी कि खंड खंड है। और जो आत्मिक सुख है वो अखंड सुख है, अविनाशी सुख है, वो निराकुल सुख है। ऐसा देखो, सुख सब सिर्फ एक पूरे अभी तक की जो बात हुई है उसको वन वर्ड में कहना हो तो सुख क्या है, बस यही समझाया अभी तक। सुख क्या है देखो, कितनी छोटी सी बात है, कोई कहेगा ये भी कोई समझाने की बात है। अरे जिस सुख के लिए हम दिन रात भाग रहे हैं, क्या वो समझाने की बात है कि नहीं? वो सुख क्या है ये समझने की बात है, क्योंकि हमने अनादि से जिसे सुख समझ रखा है वो वास्तव में सुख है ही नहीं, वो तो दुख है। कि अच्छा हमको तो सुख लगता है, लगता है ना, इसीलिए हमने उसका दूसरा नाम रख दिया सुख।
सुखाभास, उसी दुख को हमने क्या कहना शुरू किया, सुखाभास। सुख तो नहीं है लेकिन सुख जैसा लगता है उसको कहते हैं सुखाभास। तो वो आपका सुखाभास है, सुख नहीं है, आप गलती से सुख मान के बैठ गए हैं। देखो, जिस जीव ने कभी दूध नहीं पिया हो, कभी किसी बालक ने, गरीब दरिद्री बालक है, कभी दूध नहीं पिया था, लेकिन जब उसने स्कूल में सुना कि सब बच्चे दूध पीकर आते हैं, तो घर में जाकर अपनी माँ को बोलता है कि माँ मैं भी दूध पीना है। तो माँ तो बेचारी गरीब है, मेहनत मजदूरी करती है, कहाँ से दूध लाए बच्चे के लिए। तो जो आटा जिस पात्र में वो लगाती थी खाना बनाने के लिए आटा, तो वो आटे का जो पानी को धोकर के और सफेद पानी बन जाता था, उसी में बस थोड़ा चीनी वीनी डाल के उसको कहती बेटा ये दूध है। इसमें दूध, अब उसी को असली दूध मान के वो पीता रहा बरसों तक, है ना। लेकिन वो वास्तव में दूध था क्या? नहीं था। दूध था, दूध आभास, दूध जैसा नहीं था, दूध जैसा लगता था। तो उसी तरह से हमने अनादि से जो सुख, जिसको हम सुख बोल रहे हैं, सुख समझ रहे हैं, वो वास्तव में सुख है ही नहीं, वो तो सुखाभास है। असली सुख की तो एक झलक भी आज तक हमने अनादि से पाई नहीं है। ये लो, गजब की बात है, अनादि से आज तक असली सुख की झलक भी हम लोगों को नहीं मिली। जिस दिन वो झलक मिलेगी हमें, तो सच में ये पता लग जाएगा कि संसार वाकई सुख नहीं है। यदि संसार में सुख होता तो ये तीर्थंकरों को, चक्रवर्तियों को क्या कमी थी इस संसार में? चक्रवर्ती के पास क्या कमी है? आप सोचिए, बताइए कि इस पूरे सखंड के अंदर ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी विभूति है जो उनके पास नहीं होती? सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य, सब कुछ उनके पास होता है, सब कुछ उनके पास होता है, फिर भी वो खुश नहीं रहना, उसको छोड़ना पड़ा ना, उनको त्यागना पड़ा। तो कह रहे हैं कि जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्याग? यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर को संसार में छोड़ने पड़ते, वो यही खुश हो जाते। तो पहली बात तो ये निकालो कि संसार में सुख है ही नहीं, ये बात का निर्णय करो, संसार में सुख नहीं है। क्योंकि जब तक निर्णय नहीं होगा जीव आगे पुरुषार्थ करेगा, है ना। एक बात तो ये कि संसार में सुख नहीं, दूसरी बात ये कि मोक्ष में सुख है। ये अपन को लगेगा दोनों एक ही तो बात है, लेकिन एक ही नहीं, अलग अलग बात है। देखो क्या है, कुछ लोग तो ये स्वीकार भी कर लेंगे कि चलो संसार में सुख नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये स्वीकार नहीं करेंगे कि मोक्ष में सुख है। देखो क्यों? क्योंकि ऐसे भी मत हैं। भारतीय दर्शनों में एक दर्शन है मीमांसा दर्शन, जैसे जैन दर्शन है ना, ऐसे एक मीमांसा दर्शन। वो मीमांसा दर्शन ये कहता है कि किसी व्यक्ति को कम ज्ञान हो सकता है, किसी को ज्यादा हो सकता है, किसी को और ज्यादा हो सकता है, किसी को और ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी को सब कुछ ज्ञान हो जाए, पूरा का पूरा तीन लोक तीन काल जानने लग जाए, यानी कि सर्वज्ञ हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कहता है मीमांसा दर्शन। बताओ, जो मोक्ष को ही स्वीकार नहीं कर रहा है, जो ज्ञान की शक्ति को ही स्वीकार नहीं कर रहा है। चलो दूसरा उदाहरण देता हूं, एक दूसरा मत है जिसका नाम है वैशेषिक दर्शन। जैसे मीमांसा दर्शन है, वैसे एक वैशेषिक दर्शन है, वो भी भारतीय दर्शनों में। वो वैशेषिक दर्शन की भी मान्यता बड़ी गजब है। वो कहता है जब इस जीव का मोक्ष हो जाए, ये मुक्त हो जाए, तो मुक्त हो गया तो शरीर भी छूट जाएगा। शरीर छूट गया मतलब इंद्रियां भी छूट गई, शरीर छूट गई, इंद्रियां छूट गई, सब कुछ छूट गया। अब ये कोई भी चीज भोगना चाहे, संवेदन अनुभव फीलिंग जो करना चाहे, किससे करेगा जब इंद्रिया नहीं, शरीर नहीं, फीलिंग तो इन्हीं से होना था, और वो तो खत्म हो गया। अब तो ना सुख का फील कर सकता है, ना दुख का फीलिंग कर सकता है, यानी सुख दुख दोनों की अनुभूति से परे चीज है, उसी का नाम मोक्ष है। यानी कि मोक्ष में सुख भी नहीं है, दुख तो नहीं है, देखो मोक्ष में दुख तो नहीं है लेकिन सुख भी नहीं है, ऐसा कहता है वो वैसे सिद्धस। गजब की बात। भला हम लोग क्या करते हैं ना, हम तो सिर्फ अपना धर्म पढ़ते हैं, इसलिए हमको कंपेरेटिव मालूम नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है ना। अब अपने दर्शन में सिर्फ इतनी सी बात थी कि मोक्ष में सुख, ठीक है, और हम तो कहते हैं हाँ ठीक है, इसमें क्या समझने जैसी बात है, बिल्कुल सरल है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं है इसमें। मान लिया कि मोक्ष में सुख है, कि अरे आपने तो मान लिया,
लेकिन दुनिया में ऐसे भी दर्शन हैं कि जो ये मानने को तैयार नहीं, तो उनको समझाने के लिए इस तरह से ये लिखा गया है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो सबसे पहले तो ये निर्णय करना है कि मोक्ष में निराकुल कौन है। अब ये निराकुल शब्द को भी समझना जरूरी था कि निराकुल का मतलब क्या है। कि निराकुल का मतलब है कि ऐसा सुख जिससे अनंत काल के बाद भी कभी बोर ना हो। एक एक समय ऐसा आ जाए कि हम उस सुख से परेशान, अरे बहुत हो गया बस। आप जगत की कोई भी चीज ले लेना, कोई भी सुख जगत का, एक्स वाई कुछ भी ले लीजिए, एक ना एक समय ऐसा आएगा जब आप उससे पुख्ता जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आपका मन भर जाएगा, बस बहुत हो गया। देखो, लेकिन मोक्ष का जो सुख है उससे बोरियत नहीं होती, अनंत काल में भी नहीं होती, उसी का नाम सुख है, असली सुख। असली सुख पापी वही है। तो एक चीज ये निर्णय हुई, ये तो हमने पिछली कक्षा तक पढ़ा था। अब जो पिछली कक्षा में बात तो शुरू हो गई थी लेकिन अपनी अधूरी रह गई थी, वो बात ये थी कि उस सुख की प्राप्ति के लिए क्या करना है। ये क्या सुख है? वो मोक्ष सुख है। ठीक है, मोक्ष सुख है, या मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए कहो या मोक्ष की प्राप्ति के लिए कहो, एक ही बात। तो उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमारे हाथ में क्या है? सीधी बात तो आप ये बताओ, पंडित जी ने जब जैसे ही सुख का स्वरूप, निराकुल सुख का स्वरूप, मोक्ष का स्वरूप बता दिया, तो शिष्य के मन में स्वाभाविक है कि सीधा सा प्रश्न उत्पन्न होगा। तो कहेगा ठीक है पंडित जी, मान लिया, अब आप हमको ये बताओ इसके लिए हम क्या करें, हमको चाहिए वो सुख, अब क्या करें। तो शिष्य भी थोड़ा ज्ञानी तो है, आप जानते हो कि टोडर मछली या शिष्य आके वो ऐसा वैसा तो है नहीं। तो वो ये कहता है कि कोई भी कार्य होता है तो उसमें पांच कारण चाहिए, जिनको हम पंच समवाय कहते हैं। निमित्त भी चाहिए, काल लब्धि भी चाहिए, होना भी चाहिए, स्वभाव भी चाहिए, सब चाहिए। तो अब वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा कारण होना चाहिए जिससे कि हमारा ये सुख मिल जाए हमको। तो ये जो चीज है बड़ी गंभीर चीज है और बहुत ही डिबेट का विषय है और गजब की बात है ये। इस पर जितना सोचो उतना कम है, मतलब ये तो बात पचाए नहीं पच रही है मतलब, लेकिन बात में बड़ी दम है। पंडित टोडरमल जी ने इस बात को ऐसे समझाया कि उन पांच कारणों में से आप ये डिसाइड करो कि निमित्त कितने हैं और उपादान कितने हैं। आप दो भागों में बांट दो पूरे पांचों को, पूरे पांचों को सिर्फ दो भागों में बांटो, एक तरफ निमित्त को रखो और एक तरफ उपादान को रखो। तो कहेंगे कालब्धि क्या है? निमित्त है। कालब्धि क्या है? निमित्त। देखो निमित्त का मतलब क्या है, देखो सब कठिन हो सकते हैं, हो सकता है आपने स्थिति को मीनिंग पता है कि नहीं। निमित्त का मतलब ये है कि जब कार्य कोई होता है तो उस कार्य की सिद्धि में या कार्य को निष्पन्न होने में जिन वस्तुओं के ऊपर आरोप आ सकता है, आरोप का मतलब बुरे अर्थ में नहीं है, जगत में आरोप का मतलब बुरे अर्थ में होता है, आरोप मतलब उन पर एक लांछन आ जाए, लांछन मतलब वो भी गलत अर्थ में जगत में चलता है, इसलिए कैसे बताएं। लेकिन समझो किसी भी परद्रव्य के प्रति कि साहब इसकी वजह से काम हुआ तो वो निमित्त है, और स्वयं द्रव्य के वजह से काम हुआ तो वो है उपादान। क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो उसका असली कारण उसका उपादान होता है। ठीक है, तो अब जो काल लब्धि क्या है, स्वयं द्रव्य है कि परद्रव्य है? मैं तो काल नहीं हूं, मैं तो जीव हूं, तो इसलिए मतलब काल क्या हुआ कि काल परद्रव्य हुआ, परद्रव्य हुआ निमित्त के खाते में गया, काल निमित्त है। स्वभाव क्या है कि स्वभाव तो जीव का केवल ज्ञान प्राप्त करने योग्य है, मोक्ष जाने योग्य है। अरे तो तुम तो स्वभाव खुद हो ही, तो उसको खोजने जाने की जरूरत नहीं है, एक चीज से तो काम खत्म हुआ। देखो एक बात और समझो, ये जो आपकी हिंदी पुस्तक में 309 नंबर का पेज है, 309 नंबर के पेज पर पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, ये जो हेडिंग डली हुई है, इस हेडिंग में आप देखेंगे जो प्रश्न सबसे पहला ही, बिल्कुल जैसे हेडिंग के तुरंत बाद एक प्रश्न है, उस प्रश्न में प्रश्नकर्ता ने पांच कारण नहीं बताए। आपके मन में यह भी हो सकता है कि मैं इधर आपको कह रहा हूं कि पांच कारण हैं, पांच समवाय हैं, लेकिन उसने प्रश्न करने वाले ने पांच कहे ही नहीं, उसने तीन ही कहे, तो ये क्या हुआ? समझना, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखो शिष्यकर्ता समझदार है, छोटे मल्ली का शिष्य है ना, समझदार, तो वो कह रहा पांच में से दो को तो जाने ही, तो स्वभाव तो मैं खुद हूं,
होनार भी जो काम होगा होनार तो चलो है इसमें, एक कह रहे कि वो दो कारण को तो खोजने जाना ही नहीं, वो तो ऑलरेडी इधर मिले हुए ही खत्म उनकी बात, बच्चे तीन, उन तीन में भी पंडित जी आप तो ये बताओ कौन सा है इसमें, इसमें से कौन सा करना मुझे। तो टोडोमल जी ने जो कारण बताया उन्होंने कहा कि जो काल लगती है, जैसे बहुत सारे जीव जगत में ये कहते हुए मिलेंगे, जब काल लगती होगी हो जाएगा, जब मेरा मोक्ष होना होगा हो जाएगा, जिस दिन समय दर्शन लिखा होगा क्रमवत में होगा ना, केवल देखा होगा जब हो जाएगा मुझे क्या करना। ये गलत सोच है, केवली ने देखा है वो तो ठीक है, लेकिन आपने तो नहीं देखा, फिर आप क्यों ऐसा मान के चल रहे हो? आप तो ये मान के चलो ना, हो सकता है केवली ने कब आज देखा हो, आप अपना प्रसाद करते रहो, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय का बात सुन करके, क्रमबद्ध पर्याय की बात सुन करके कुछ लोग तो पुरुषार्थी हो जाते हैं और कुछ लोग अकर्मण्य हो जाते हैं, पुरुषार्थ छोड़ देते हैं। तो ये दो तरीके के आपको एक्शन मिलेंगे, क्रमबद्ध पर्याय सुनने के बाद दो तरीके के एक्शन सामने आएंगे, या तो जीव पुरुषार्थी हो जाएगा और या जो है वो बिल्कुल अकर्मण्य हो जाएगा। तो ये जो दो तरीके के एक्शन हमको दिखाई दे रहे हैं वो क्रमबद्ध पर्याय की वजह से नहीं है, बल्कि ऐसा ही होना उसकी क्रमबद्ध पर्याय में था। देखो मैं आपको ये चीज समझाना आसान नहीं है, बहुत चैलेंजिंग है ये। देखो क्रमबद्ध पर्याय को हम अपनी ओर से देखने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझ में आएगी, और केवली की ओर से देखने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगी। एक छोटे से एग्जाम्पल से बात समझो, जैसे एक बार की घटना है, सच्ची घटना है, तो पंडित जी प्रवचन कर रहे थे, क्रमबद्ध पर्याय समझा रहे, खूब जोरदार कई दिनों तक खूब गहन चर्चा क्रमबद्ध पर्याय पर हुई, और उसको सुन करके एक सेठ जी ने कहा कि जब सब कुछ होना ही है, सब कुछ फिक्स है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो ठीक है मैं आज अपने दुकान पे नहीं जाऊंगा, मैं काम ही नहीं संभालता हूँ, देखता हूँ कैसे रहता था। और उन्होंने जिद पकड़ ली, सतमी पकड़ ली, और सच्ची घटना है, देखता हूँ आज एक दिन नहीं जाके देखता हूँ, देखे कैसे होगा काम। तो अब वो बैठ गए, उठे ही नहीं, घर से जाते ही बोलते 9 बज गए 10 बज गए, कि वो पंडित जी को बुलाओ, वो वही समझा रहे थे, और सारे घर वाले उनको कह रहे कि भाई तुम वो ठीक है, शास्त्र की बात है, ये है वो है। पंडित जी को बुलाया गया, 11 बज गए 12 बज गए, तो उन्होंने कहा देखो ये दुकान नहीं जा रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा आपकी क्रमबद्ध पर्याय में यही लिखा था कि आज आप दुकान नहीं जाए। क्या समझ में आया? मतलब क्या है, हम क्रमबद्ध पर्याय को अपनी नजर से देखना चाह रहे हैं, वहां हमारी गलती है, हमको क्या मालूम कि हमारे क्रमबद्ध में आज क्या लिखा है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जब काल लगती है, देखो फिर से कहता हूँ, सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी काल लगती अभी नहीं आई है, ये आप कैसे कह सकते हैं, आपको कैसे मालूम, क्या आप सर्वज्ञ हो? नहीं है ना। तो फिर इसका मतलब वो काल लगती कब आएगी इसको छोड़ो, वो परद्रव्य है, वो निमित है। और सुनो दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण, टोडोमल जी ने कहा कि काल लब्धि का मतलब जानते हो, काल लब्धि का मतलब यह है कि जिस काल में आपको लब्धि हो जाए, उपलब्धि हो जाए, वही तो काल लब्धि कहलाएगा ना। तो काल तो एवरी टाइम चल रहा है, आज क्या काल नहीं है, आज कोई तारीख नहीं है, कोई भी तारीख नहीं है, आज 7 तारीख है ना, दिसंबर का महीना चल रहा है ना, तो करे कि कोई भी काल तो अनवरत एवरी टाइम चल रहा है। आप तो करो अपना कल्याण, आपने जिस दिन समय किया उसी दिन हम बोल देंगे कि यही काल लब्धि चीज, बस आप तो उसी दिन हम बोल देंगे कि ये काल लब्धि थी। यदि आपने 7 तारीख को सम्यक किया हम कहेंगे इनके लिए 7 तारीख काल लब्धि थी, 8 तारीख को किया हम बोल देंगे 8 तारीख इनके लिए काल लब्धि थी, हम 9 तारीख को करेंगे हम कहेंगे 9 तारीख काल लब्धि थी। पर करने की बात है, काल लब्धि के लिए क्यों रो रहे हो, काल लब्धि तो जिस दिन करोगे उसी दिन का नाम काल लब्धि है, देखोगे जब बात, क्योंकि वो परद्रव्य है ना, वो तो निमित्त है, उसके ऊपर तो आरोप आना है, जब भी आप काम करो निमित्त के ऊपर आरोप आ जाएगा। तो आप एक चीज तो निकाल दो कि काल लब्धि कोई चीज है, हालांकि है लेकिन वो केवली की दृष्टि से देखना पड़ेगा, आप अपनी दृष्टि से मत देखो, अभी आपके पास केवल ज्ञान है नहीं तो आप अपनी दृष्टि लगाओ मत, है ना, उसको छोड़ दो। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि होनार इसको भी छोड़ दो, क्योंकि जो काम होना है उसी काम का नाम होनार है, तो जब आप काम कर लोगे तो हम कह देंगे यही होना थी, ठीक है ना। जो काम हुआ, जैसे मान लो किसी घर में कोई आदमी मर गए, मतलब मर जाते हैं ना, तो इसी एक ही बैठक में लोग जाते हैं, मिलने जाते हैं,
तो उनको बड़ी सांत्वना देते हुए शोकात्मा को कहते हैं, अरे यही होनार्थी। क्या कहते हैं? यही होनार्थी, कोई भी काम हो यही होनार्थी। अरे होनहार का मतलब ये है कि ये काम ऐसा ही होना था, इसी का नाम तो होनहार है। तो कहे कि होनहार भी अपने आप में कोई वस्तु नहीं है, आप उसकी चिंता भी छोड़ो और काललब्धि की भी चिंता छोड़ो, अब बचा सिर्फ एक, वो है पुरुषार्थ। और वो पुरुषार्थ आपके अंदर खुद है, क्योंकि वो उपादान में है। और असली काम का, असली कार्य का जो कारण है वो उपादान स्वयं होता है, निमित्त नहीं होता, निमित्त नहीं होता। उपादान स्वयं उस कार्य का कर्ता होता है, वो आप स्वयं हो, पुरुषार्थ आपके अंदर है, आप पुरुषार्थ करते हो। तो क्योंकि पुरुषार्थ तो बहुत लोग करते हैं कि वो असली पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो उसने कोई गलत पुरुषार्थ करे और चाहे कि मेरा कार्य सिद्ध होगा तो कैसे होगा। और ये प्रकरण ऐसा है कि ये तो मुझे लगता है कि एक क्लास में और कैसे में मतलब इसको मतलब यूं लगता है कि ये तो 2-4-5 बार 6 बार 7 बार रिपीट करते जाओ। भले ही मैं तो कहूँ सिर्फ एक ही इसी ये टाइटल है पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति, इसी को 2-4-5 बार आप पढ़ते जाओ लगातार। एक बार पढ़ लो फिर दोबारा पढ़ लो, 3 बार 4 बार 5 पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। ये तो गजब की बात कही इन्होंने, ऐसी गजब की बात कही है कि इससे तो मन ही नहीं बढ़ रहा, आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता है, ऐसा गजब का विषय है। इन्होंने बहुत सिद्ध किया उन्होंने। भाई आप कैसे मानते हो कि ये मतलब क्या है, क्रमबद्ध पर्याय भी गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन आपके हाथ में तो पुरुषार्थ है, आप तो सिर्फ पुरुषार्थ करते रहो। देखो बहुत अच्छी अच्छी लाइन है इसमें, वो बहुत जगह पर रीडिंग करनी चाहिए। देखो कैसे है, एक मिनट में कुछ अब पूरा रीडिंग तो करें तो बहुत समय जाए, कुछ कुछ 2-4 बातें आपको देखता हूँ। देखो इसका समाधान पढ़ता हूँ, जो प्रश्न है उसका समाधान पढ़ता हूँ। एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, जो मोक्ष का उपाय बनता है वहां तो पूर्व तीनों ही कारण मिलते हैं। यदि मोक्ष होगा मतलब मोक्ष या कोई भी काम होगा तो वहां तीनों कारण मिलेंगे, और तीनों नहीं बल्कि पांचों मिलेंगे। लेकिन यहाँ तीनों इसलिए लिखा है कि प्रश्न करने वाले ने 2 तो ऑलरेडी छोड़ दिए थे, 3 ही पूछे थे, इसलिए उत्तर में भी वो 3 ही बोल रहे हैं। लेकिन आपको पूरे 5 समझना, कोई भी काम होता है तो 5 ही मिलेंगे, और या फिर 5 ही नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 मिल गए थे, 1 नहीं मिला था, रह गया था, ये हो गया था, ऐसा नहीं होगा। होगा तो पूरा होगा, नहीं तो पूरा ही नहीं होगा। ठीक है, तो मोक्ष का उपाय होंगे तो वहां पूर्व तीनों ही कारण मिलते हैं, और नहीं बनता वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। देखो तीनों ही नहीं मिलते, ये भी लिखा है, पूर्व 3 कारण कहे उनमें काललब्धि व होनहार तो कोई वस्तु है नहीं। होनहार कोई वस्तु है थोड़ी है, जो काम होगा उसी को ही होनहार कहते हैं, तो वो अपने आप में कोई चीज नहीं। काललब्धि, काल तो एवरी टाइम है, जिस काल में आपकी उपलब्धि होगी वही काललब्धि कहलाएंगे, तो वो भी अपने आप में कोई चीज नहीं है। ठीक है, जिस काल में कार्य बनता है वही काललब्धि, और जो कार्य हुआ वही होना, सीधी बात है। तथा जो कर्म के उत्तमाधिक है वो पुद्गल की शक्ति है, उनका कर्ता आत्मा नहीं। पुद्गल हम जैसे आप कभी जैसे ये कहते हैं कि ये मोह कर्म है, इसमें मेरा समय तो रो पड़ता है, ये मोहनीय कर्म खत्म हो जाए तो मैं बच जाऊँ, ऐसा भी कहते हैं ना कुछ लोग। तो उसका भी कह रहे कि वो जो कर्म के अंदर जो उपसम है और छोपसम जो कुछ होना है, क्योंकि 3 से ही होता है ना, समय छोपसम समय से होता है, छाई से होता है, और उपसम से होता है। तो कह रहे कि ये कर्म के छोपसम और उपसम ये काम को भी आत्मा नहीं कर सकता, क्योंकि कर्ता तो स्वयं उपादान हो सकता है ना, निमित्त कैसे होगा। तो वो जो कर्मों के 6 उपसम जो कुछ होना है वो कर्म के अंदर होना है, इसलिए उसको आप छोड़ दो, क्योंकि वो परद्रव्य का कर्म आप कर नहीं सकते, परद्रव्य का थोड़ी कर्ता बनेंगे आप, दूसरे द्रव का ही कर्ता बनेंगे। तो ये बात समझ में आई, बहुत महत्वपूर्ण गंभीर बातें हैं, ये बहुत गंभीर बातें हैं। ये मोक्षानुप्रासक के कुछ स्थल कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको सैकड़ों बार भी पढ़ लो ना तो भी हर बार में लगेगा कुछ नयापन है, कुछ ऐसा लगता है कि अरे पहले क्यों नहीं ख्याल में आया, हमने पहले भी पढ़ा था, ऐसे लगेगा। मैंने आपको शायद 2-4 जगह बताई थी, एक तो 7वां चैप्टर है जिसमें व्यवहाराभासी का प्रकरण है, बाकी दूसरे भी है लेकिन पूरा ही 7वां है, लेकिन व्यवहाराभासी का खास है, ये पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाला खास है। एक 52 नंबर पेज हिंदी बुक में 4 लाइन बोल्ड है,
वो भी बड़ी खास है, और खास लाइन कौन कौन सी है उसकी आगे इसकी भूमिका में प्रस्तावना में एक लिस्ट दी हुई है पूरी की पूरी, खोजने की जरूरत नहीं, खोज के सब लिखा हुआ है कि ये स्थल इसके बहुत खास है। तो ये बहुत खास स्थल है, एकदम गंभीर बात है एकदम, क्योंकि टू द पॉइंट बात की गई है। शिष्य को ये पूरी जिज्ञासा हो गई है जानने की, अब मुझे क्या ये रियली मैं बिल्कुल उसके लिए तैयार हूँ, अब मुझे बताओ मुझे क्या करना। खचब की बात है, ऐसे जबरदस्त बात है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, देखो जिस काल में कार्य बनता है वही काल लगती, और जो कार्य हुआ वही होना, दोनों चीज है। तथा जो कर्म की उपसमाधि है वो पुद्गल की शक्ति, उनको आत्मा नहीं कर सकते, यानी आपके बस की नहीं है, वो आपका डिपार्टमेंट नहीं है। आप तो अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे तो कर्म के उपसमाधि जो होना होगा अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऐसा निमित्त नैमित्तिक है। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने बैंक में एफडी की, ठीक है, एफडी की तो उसका मान लो 5% ब्याज मिलना है, और 1,00,000 रुपये पे मेरे को 5,000 रुपये मिलना है एक साल में, 5% ब्याज एक साल का ना। तो अब एक साल में मैं हर रोज दिन गिनूं अपना बैलेंस चेक करूं, तो मुझे एक साल में 5,000 मिलेंगे, या मैं एक भी कुछ भी नहीं देखूंगा सीधे एक साल के बाद जाके चेक करूंगा तो 5,00,000 में 5,000 मिलेंगे। 5,000 तो मुझे वैसे ही मिलने हैं चाहे मैं चेक करूं या ना करूं। तो ऐसे ही कर्म के उपसमाधि जो होने हैं वो ऑटोमेटिक होंगे ना। आप तो इधर जिसके निमित्त से, बहुत स्लो बोलता हूँ थोड़ा गंभीर है, जिसके निमित्त से कर्म के उपसम है अथवा क्षोपसम होना है, जिसके निमित्त से वो काम आप करो और इसको छोड़ दो, क्योंकि ये इसका निमित्त है। तो आप वो काम करोगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको तो सिर्फ एफडी करना है बस, एक बार जाके वो जो 5,000 रुपये मिलने वो आपको मिल ही जाएंगे, आपसे एक भी दिन जाके मत देखो तो भी आपको मिल जाएंगे। ऐसे आप तो अपना आत्मानुभव का जो पुरुषार्थ वो करते रहो, उसी से ये उपसमाधि होने हैं वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, आपको करने नहीं पड़ेंगे। एक माँ के पेट में बच्चा है, वो बच्चा हर रोज बढ़ता है, एक दिन दो दिन चार दिन, तो साइंस की प्रोसेस जो भी है आप, तो उससे वो हर रोज बढ़ रहा है। उस माँ को कोई रोज चिंता करनी पड़ती है कि आज देखते बच्चे का क्या हुआ, नहीं करोगे तो भी होगा। तो ऐसे ही ये कर्म के उपसमाधि है, ये पुद्गल के काम है, ये ऑटोमेटिक होंगे, आपको इनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो कितना निश्चित कर दिया, कितना फ्री कर दिया टोडरमल जी ने, तो जाओ शांति से बैठ जाओ, आप इसकी टेंशन मत लो, आपको सिर्फ एक ही काम करना है। गजब की बात है, ऐसी गजब की बात है, जितनी बेहतर करो उतनी कम है, मतलब ऐसा लगता है। देखो मतलब ऐसा लगता है कि मैं 4 लाइन भी कैसे पूरी करूं, ऐसे लगता है मेरे को। देखो है, तथा जो कर्म के उपसमाधिक है वह पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा करता रहता नहीं है, तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं सो आत्मा का काम। आत्मा का काम क्या है, आत्मा की ड्यूटी क्या है, पुरुषार्थ करना। तो इसलिए देखो क्या है, एक चीज समझिए, हर जीव ये चाहता है कि मुझे आत्मानुभव हो, मुझे सम्यक्त हो, मुझे सुख मिले, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं ना, आप कोई भी ये बताइए कि क्या हम आत्मा को जानने के लिए कुछ 24 घंटे में से कितने मिनट देते हैं रियली, मतलब बहुत लोग बोलेंगे अरे बिल्कुल ही नहीं देते, हम तो 1 मिनट भी नहीं देते हैं। अरे जब आप समय देते ही नहीं है आत्मा को, और आप कह रहे हो हम जानना चाहते हैं, कैसे जानेंगे, समय तो दिया ही नहीं आपने, कभी कभी की क्या कुछ थोड़ी कोशिश, वो कहेंगे साहब एक दो बार की थी हमने, लेकिन कुछ दिखा नहीं, कुछ हुआ नहीं। कि आप एक दो बार से ऐसे क्यों हतोत्साहित हो गए, अनादि के संस्कार हैं, आप एक दो बार हार मान गए, ऐसे थोड़ी होता है। जगत में हम जब धंधा व्यापार करते हैं, एक दो बार दुकान में चोरी हो गई, घाटा लग गया, तो क्या हम व्यापार बंद करके दुकान बंद करके बैठ जाते हैं क्या, नहीं बैठते, हम फिर पुरुषार्थ करते हैं। तो जब लौकिक में आप बारंबार पुरुषार्थ करते हैं तो धर्म के काम में क्यों नहीं करते हैं, वहां भी लगे रहो। आचार्य अमृतचंद्र देव हुए, उन्होंने समय सार की टीका लिखी, उस टीका में उन्होंने गारंटी के साथ लिखा है कि आप 6 महीना सिर्फ मेरी बात मान लो, बस 6 महीने का कोर्स है ये आत्मानुभव, आपको तो ये 60 साल 80 साल का जो जीवन मिला है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा मिला है, एक्स्ट्रा है ये, तो इसमें तो न जाने कितनी बार समय कर लोगे आप, यदि कोई 50 साल का है
उसको लेकर तो मेरे से जीवन बहुत निकल गया, 50 साल निकल गया, अब इतनी जिंदगी बच्ची में क्या कर लूंगा। कि टेंशन मत लो, 6 महीने का ही कोर्स है ये 6 महीने का कोर्स है। इस 6 महीने तक आप जगत से पूरी तरह से मर जाइए, बोल दिया उन्होंने, मर जाइए शब्द का ही प्रयोग किया संस्कृत में, हई कस्मति मृत्वा, मृत्वा यानी मर जाइए, मर करके, क्योंकि आपको बिल्कुल सोचना है, नो रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जवाबदारी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, किसी चीज के लिए खाने पीने तक की भी आपको वो नहीं, बस निरंतर आत्मानुभव की चेष्टा करनी है, बस चेष्टा, चेष्टा मात्र से ही काम हो जाएगा। देखो बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, दूसरा पर गिरता है, सीख जाता है कि नहीं सीखता, तो वैसे ही है ये संसार, ऐसा है संसार की गतिविधियां ऐसी है, यहाँ के लोग ऐसे हैं, इस संसार के लोग मतलब जो हमारे आसपास के लोग, हमारे परिवेश, हमारे नोन, जो हमारे परिचित हैं, हमारे पड़ोस पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो आपस में एक दूसरे को दिखाते हैं अपना व्यवहार। उससे क्या होता है, हमको लगता है इसके पास ये मुझे भी होना चाहिए। आजकल फेसबुक पे स्टेटस लगाएंगे, मेरी न्यू कार, मेरा ये, मेरा ये, तो अब क्या होगा, और उसके पास तो वो हो गया, मेरे पास क्यों नहीं है। अब हम लग गए उसमें, ये महत्वपूर्ण काम था उसको छोड़ दिया और लग गए उसमें। मतलब दुनिया ऐसी है, ये दुनिया की व्यवस्था ऐसी है, ना चाहते हुए भी आदमी दो चीजों से बड़ा पड़ता है, मान से और माया चाह। कैसे जीना सरल व्यक्ति का जीवन दुर्लभ हो गया, सीधी सच्ची बात कहना मुश्किल हो गया। सच्ची बात कहो, अरे यार इसको तो जाता ही है, बेवकूफ बना दो कोई भी उसको लौट के, तो क्या है, दुनिया ऐसी हो गई कि जिसमें थोड़ा छल भी जीना आना चाहिए और थोड़ा सा मान भी आना चाहिए। अब ये दो चीज में लग गए तो ये चीज तो रहेगी शर्मदार, मतलब ये ना चाहते हुए वो मान से सब लोग पीड़ित हैं, अरे मेरा भी ये हो, मेरे पास भी ये हो, मेरा नाम हो जाए, समाज में इज्जत मिल जाए, मेरे पास थोड़े पैसे हो जाए, थोड़े बैंक बैलेंस हो जाए, थोड़ा ये हो जाए, पत्नी को गहना बना दू, ये कर दू, वो कर दू, इतनी चीजों में ये उलझा हुआ है कि जो मेन काम है वो तो बिल्कुल निकल गया दिमाग से। गजब की बात, आचार्य कहते हैं, आचार्य कहते ही हैं, और हमारे गुरु भी हमको 50 सवा कह चुके अपने प्रवचनों में, कि अपने सारे शिष्यों को उन्होंने एक संदेश दिया कि आप दाल रोटी की चिंता मत करो, आप तो बिल्कुल, मेरा कोई स्टूडेंट कभी भूखा नहीं मरेगा, ये मेरी गारंटी है, मतलब क्योंकि इतना उसके खाते में पुण्य रहेगा, लेकिन उसको ज्यादा कुछ नहीं होगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। वो चाहे कि नहीं, मुझे तो बहुत पैसा भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो भैया बात अलग है, लेकिन भूखे नहीं मरोगे, भूखे नहीं मरोगे, दाल रोटी तो मिल जाएगी, लेकिन करने योग्य काम एक ही है, पुरुषार्थ करने योग्य है, इसके अलावा कुछ भी करने योग्य दुनिया में है ही नहीं। अब देखो पुरुषार्थ कब काललब्धि आएगी, अब मान लो जब काललब्धि आके निकल गई, काललब्धि आके निकल गई, तो आपको क्या पता चलेगा कि निकल गई, ऐसे ना। अब देखो एक बार एक गांव में एक आदमी था, भगवान पर बहुत भरोसा रखता था, बहुत आस्तिक था, बहुत आस्तिक था, खूब भरोसा था उसको भगवान पर। तो एक बार गांव बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गई, खूब जोर से बाढ़ आ गई, बाढ़ से जानते पानी, बहुत ज्यादा पानी आ गया, अतिवृष्टि हो गई, सारे लोगों के घरों में पानी भर गया, सारे गांव डूब गया, लोगों ने वहां से जान बचा के किसी तरह से गए, लोग गए, और वहां पर जो बहुत लोग उसको कह रहे थे तुम भी चलो, तुम भी चलो, नहीं 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 मेरा भगवान आएगा बचाने, मैं उसी की डूब, मैं भगवान का पक्का आस्तिक हूँ, भगवान की इतनी पूजा करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, भगवान का मैं सच्चा भगत हूँ, तो भगवान स्वयं आएंगे, और उसने जीत पकड़ ली, मैं भगवान नहीं आएंगे तो मैं जाऊंगा देखता हूँ। और बहुत लोगों ने उसकी मदद की, कोई बोट वाले भी आए और जहाज वाले भी आए और ये भी आए तो वो भी आए, और किसी के नहीं सुने, बहुत लोगों ने उसको समझाया नहीं सुने, मैं भगवान आएंगे तो जाऊंगा, मैं भगवान का भगत हूँ। फिर कुछ नहीं, बाढ़ आई, वो भी बह गया, प्राण तो फिर उड़ गए, मर गया। सुनना बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बड़ा अच्छा संदेश है इस कहानी का, रह गया, मर गया, मर के जब वो पहुंचा, अब हिंदू कहानी है, आप दूसरे तरीके से इसको सिर्फ एक देश उदाहरण के लिए लेना, पूरी बात इसमें समझ लेना, तो भगवान के घर पहुंचा ऐसा मान लो, तो भगवान को उसने उलाना दिया, मैंने तो बहुत भक्ति की थी आपकी, बहुत पूजा की थी आपकी, आप आए नहीं बचाने मेरे को। भगवान ने कहा क्यों भूल कर रहा है, मैं कितनी बार आया था तेरे को, कितनी बार संदेशा भेजा था मैंने, देखो वो बोट वाले के थ्रू नहीं भेजा था तुमको संदेशा, क्यों नहीं सुनी तुमने,
तो मैंने मैंने देखो वो आदमी के थ्रू भेजा कि नहीं संदेशा, वो फला आया था कि नहीं आया था आपको के नहीं, और आपकी तो संदेश थे इतने सारे मुझे पता ही नहीं। बस वैसे ही हमारे साथ हो रहा है, कहां लब्धि कब आके कब निकल रही है मालूम भी नहीं चल रहा है। टूडोमल जी आगे ये सिद्ध करेंगे इसी इसी टॉपिक के अंदर कि आपकी काल लब्धि अभी कंटिन्यू चालू है, जब सिद्ध करेंगे मैं बता रहा हूँ ये बात। और ये कैसे बता रहा हूँ मैं आपको, मैं अभी समझा देता हूँ कैसे। देखो ऐसे सिद्ध करेंगे वाले हैं कि जैसे मान लो कोई बोले कि ये कर्म की जो शक्ति है ये मेरे जो बाधा बनी हुई है ये मुझे नहीं होने दे रही समय और इसकी वजह से सब प्रॉब्लम हो रही है, तो टोटल जी कह रहे ठीक है हम मानते हैं, हम आपकी बात मानते हैं कि कर्म की वजह से हो रहा है, लेकिन वो कर्म का उदय इस मनुष्य गति में नहीं है, पूरी मनुष्य गति को छोड़ दिया अकेले आपको जाने दो। प्रश्न तो किसी एक मनुष्य का था, उन्होंने तो कहा पूरी मनुष्य जाति कोई नहीं है ऐसा, क्योंकि जो कर्म का तीव्र जो उदय है वो तो एक केंद्रीय आदि पर्याय में है, असंगी पंचेंद्रीय तक है, उसके आगे तो कर्म ने इतनी तो छूट कर दी ना आपको, संगी पंचेंद्रीय बना दिया कर्म ने, तो कर्म की वजह से तो संगी पंचेंद्रीय। ठीक है देखो जो प्रश्न जिस भाषा में और जिस लॉजिक से उठाया गया है उसका उत्तर उसी लॉजिक से दिया है, देखना फिर से सुनना। प्रश्न ये था कि कर्म ने हमारी शक्ति रोकी है, तो मैंने कहा ठीक है कर्म ने आपको संगी पंचेंद्रीय बनाया कि नहीं बनाया पहले ये बताओ, तो बनाया, तो बनाया ना, तो आपके पास इतना सक्षम हो चुका है कि अब आप अपना काम कर सकते हैं, आप मोक्ष मतलब समय प्राप्त कर सकते, यानी आपकी काल लब्धि अब चालू है, अभी आपकी काल लब्धि जब तक आपका मनुष्य जीवन है तब तक बनी हुई है, बस आप तो अपना काम कर लो और नहीं तो फिर वापस वो कर्म जिसको आप दोष दे रहे हो ना फिर वो ले लेगा बंदा आप। ऐसी जबरदस्त बात मतलब एकदम, मैं सोचता हूँ मैंने भी जब क्रमत प्रयास पढ़ता था पढ़ता हूँ अभी भी मेरे को ये लगता है कि ये दोनों बातें बड़ी विरोधी लगती है, लेकिन दोनों में एक सुसमायोजन है, तारतम्य है, और एक दूसरे पे मतलब ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की विरोधी है, विरोधाभास लगता है लेकिन है नहीं है, क्योंकि उस क्रमत पर्याय को हम अपनी दृष्टि से देखते हैं वहां हो जाती है बोल, क्योंकि हमको क्या मालूम है कि अगली ने क्या देखा वो हम कैसे कह सकते हैं। हम तो जैसे वो सेठ जी ने जिद पकड़ी, मैं आज दुकान ही नहीं जाता हूँ मैं देखता हूँ कैसे काम होगा, ये सेठ जी ने क्यों पकड़ी, क्योंकि सेठ जी ने ये मान के चल रहे थे कि मैं दुकान जाता हूँ और मैं ही चलाता हूँ, ठीक है, और केवली ने ये जाना था कि दुकान सेठ जी नहीं चलाते और इसलिए आज सेठ जी दुकान नहीं जाएंगे, केवली ने ज्ञान में ये देखा था। अब बताओ उसने जो क्रमबद्ध पर्याय पकड़ के और वही काम किया जो केवली ने देखा, ये दृष्टांत इतना इजी वे में और इतनी जल्दी जैसा बताने जैसा नहीं है, इसमें बहुत रुक के तसल्ली से सोचने की बात है। ये दृष्टांत मैंने भी कई बार सुना जीवन में हमारे गुरु के मुंह से, मैंने इतने गंभीरता से नहीं सुना कभी, लेकिन जब मैंने एक दिन इस पर बैठ के बहुत सोचा तब मेरी आंखें खुली कि अरे ये दृष्टांत कोई ऐसा छोटा मोटा दृष्टांत नहीं है, इसमें से तो बहुत बड़ा सिद्धांत निकल के आ रहा है कि हम क्रमबद्ध पर्याय के नाम पर नहीं, सॉरी फिर से दोबारा बोलता हूँ, क्रमबद्ध पर्याय को झुठलाने के नाम पर, समझना मैंने थोड़ा ठीक किया करेक्ट किया, क्रमबद्ध पर्याय के नाम पर नहीं, क्रमबद्ध पर्याय को गलत सिद्ध करने के नाम पर जो करते हैं वो भी क्रमबद्ध में ही लिखा है। अभी अभी समझ में आया कि नहीं आया सिद्धांत, फिर से बोलता हूँ, क्रमबद्ध पर्याय के विरोध में या उसको गलत सिद्ध करने के चक्कर में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो भी क्रमबद्ध पर्याय में पहले से देखा हुआ है, आपको नहीं था मालूम इसलिए आप सोच रहे थे कि मैं इसको गलत करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको नहीं था ना मालूम, वो तो केवली को था मालूम, इसलिए क्रमबद्ध पर्याय को समझना हो तो केवली के दृष्टिकोण से समझना, आप अपने दृष्टिकोण से मत समझना वरना बड़ी भारी भूल हो जाएगी। ऐसी बात है, गजब की बात है, ये बहुत अद्भुत बात है, मुझे तो लगता है कि यही चार लाइन में बहुत माल भरा है और आगे की चार लाइन में तो इतना इतना माल भरा है पूछो ही मत, ऐसा लग रहा है कि इसको तसल्ली से ही चलना चाहिए, फिर आराम से चलना चाहिए, बहुत अच्छा विषय है। देखो इसमें जो प्रश्न था ना वो प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं आया, प्रश्न में अभी तो और बात छुपी है, प्रश्न में ये भी पूछा है पूछने वाले ने कि भाई यदि आप, पहले तो उन्होंने प्रश्न ये पूछा कि ये तीन कारण में से कौन सा कारण जो है मेरे को करने योग्य है, दो कौन से नहीं करने योग्य है, तो उसका उत्तर तो दे दिया, लेकिन वो प्रश्न ये भी पूछा था यदि यदि पुरुषार्थ से बोलते हो आप
पहले ही, इसने पहले ही पूछ लिया, यदि आप पुरुषार्थ से बोलते हो तो फिर मैं आपको दूसरी तरफ फंसाऊंगा। पुरुषार्थ सभी कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा उनका मोक्ष? और यदि आप बोलते हैं काल लब्धि से, देखो क्या है, आप आपको किसी ने प्रश्न पूछा कि बोलो यस और नो में जवाब चाहिए मुझे और कुछ नहीं सुनना, यस और नो बोलेंगे, यस और नो बोलेंगे, बोलो। तो उसने कहा देखो आप यस बोलते हो तो आपको ऐसे फंसाऊंगा और नो बोलते हो तो आप ऐसे फंसोगे, मतलब आपको दोनों तरह मुसीबत में ही दूंगा। क्या उत्तर? देखो समझे, थोड़ा मेरी स्पीड में आज तेज कर रखी थोड़ी सी, क्योंकि बहुत विषय ज्यादा है, मेरे विचार भी बहुत आ रहे हैं है? और सात दिन में एक दिन तो मिलता है, इसलिए मैंने थोड़ी स्पीड तेज की हुई है, है? लेकिन फिर समझने योग्य बात है। क्या है, फिर से मैं समझाता हूँ। प्रश्न पूछने वाले का ये तीन कारण, एक तो काल लब्धि है, एक होना है और एक पुरुषार्थ। थोड़ा सा मैं स्पीड कम करके समझा रहा हूँ, ये समझने योग्य बात। तो अब इन तीन में से कौन सा काम तो करने योग्य, पहले तो ये बता दो। एक एक प्रश्न तो इसमें ही था, और दूसरा उत्तर ये है कि यदि आप बोलोगे कि पुरुषार्थ से काम होता है, बोलोगे पहले ही मान के चल रहे हैं, यदि आप बोलोगे कि पुरुषार्थ से काम होता है तो हम आपसे ये कहते हैं कि पुरुषार्थ बहुत लोग कर रहे हैं, क्यों नहीं उनका मुक्त होना। और यदि आप कहोगे कि काल लब्धि से काम होना है तो कहेंगे कि फिर आप उपदास को उपदेश क्यों दे रहे हो, आप हमको क्यों समझा रहे हो कि तुम पुरुषार्थ करो, काल लब्धि से काम होना है तो फिर आप भी बंद करो उपदेश, बैठो शांति से, आप भी शांति से बैठो, हम भी शांति से बैठते हैं, जब काल लब्धि आएगी तब हो जाएगा, क्यों आप परेशान हो रहे हो हमको समझा के, क्यों इतनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो हमको समझा रहे हो, हमारे लिए शास्त्र लिख रहे हो, अरे काल लब्धि पे भरोसा आप भी रखो, हम भी रखते हैं, शांति से बैठो सब, आई नहीं बात समझ में? ऐसा उस प्रश्न करने वाले ने, ये प्रश्न कोई करने वाला नहीं था वहां, तो स्वयं प्रश्न टोडरमल जी ने ही किया है, है प्रश्न में दम, देखो पंडित जी का प्रश्न है, दमदार तो होगा, ऐसा नहीं है। तो पंडित जी अथा अगाध ज्ञानी, अगाध ज्ञान के धनी थे, महान शास्त्रों की ज्ञाता, चारों नियोगों में निष्णात थे, लोक व्यवहार में निष्णात थे, समाज व्यवस्थाओं में निष्णात थे, आत्मज्ञानी थे, इतने ज्ञानी विद्वान, जब इनके पास मृत्यु सामने आई तो भी घबराए नहीं, क्योंकि ये तो अपने आप को प्रचर देखते थे ना हर परिस्थितियों से। ऐसे महान पंडितों के द्वारा लिखा हुआ इतना महान ग्रंथ हमको मिला है, और इसमें ये प्रश्न भी एक एक प्रश्न गजब के बेजोड़ लिखे हुए हैं, हम आम आदमी की बस्ती नहीं है कि ऐसे प्रश्न उत्पन्न करें, इतने लोग सुनते पढ़ते हैं कि किसी के मन में ऐसे प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं जैसे प्रश्न यहाँ पर लिखे हैं। और आगे आगे आप हर जैसे पढ़ोगे आपके मन में जो प्रश्न उत्पन्न होगा वो अगली लाइन में आपको मिल जाए, और यही तो मेरे मन में भी आ रहा था, लिखा खुजब का लिखा। तो यहाँ कह रहे हैं कि पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं तो आत्मा का काम है और वही हमको करने योग्य। देखो अब इसमें से एक दो एक पैराग्राफ थोड़ा सा छोड़ता हूँ, क्योंकि लंबा बहुत हो रहा है ना, आप नहीं तो पढ़ भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि पुरुषार्थ एक निर्णय निकल गया कि हमको पांच कारण में से दो कारण तो खुद ही प्रश्नकर्ता ने निकाल दिए, क्योंकि वो अपने आप में कोई महत्वपूर्ण है, बच्चे तीन, उन तीन में से भी पंडित जी ने कहा कि काल लब्धि और होना इस दो को भी निकाल दो, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ है पुरुषार्थ, आप सिर्फ पुरुषार्थ करो। कि देखो अब यहाँ पर प्रश्न, एक मिनट देखो, यहाँ पर पेज मैंने पलट दिया 310 पेज पर। हाँ पंडित जी ये कह रहे हैं कि जो जीव पुरुषार्थ करता है उसके काल लब्धि भी आएगी और उसका होनहार भी होगा, और जो पुरुषार्थ नहीं करेगा उसकी काल लब्धि भी नहीं आएगी कभी और ना ही उसकी होनहार होगी। जी हम तो यही सोच के बैठे थे कि काल लब्धि आएगी तो काम बन जाएगा, और पंडित जी कह रहे कि यदि आप पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कभी भी आपकी काल लब्धि आएगी नहीं, आप भूल जाओ, ऐसी बात है, गजब की बात है। तो कह रहे अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है, ये उपदेश तो सभी सुनते हैं और कोई मोक्ष का उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, ये क्या कारण है भाई? उपदेश तो इतने लोग सुन रहे हैं, इतने आजकल तो ये जूम ऐप से इतना सब चल रहा है पूरे देश में, बल्कि पहले जो व्यवस्था नहीं थी उससे ज्यादा व्यवस्था हो गई है, अब तो एक ही समय में कई कई विद्वानों के प्रश्न चालू है, यूट्यूब भरा हुआ है, ज्ञान का अपरंपार खजाना है, फिर क्यों नहीं है? जो कह रहे थे वो उपदेश तो सभी सुनते हैं, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है कि उपदेश तो सभी सुनते हैं, कोई मोक्ष का उपाय कर सकता है कोई नहीं कर सकता, तो क्या कारण है, ये प्रश्न है।
उसका उत्तर दे। उसका कारण यही है कि जो उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते हैं वे मोक्ष का उपाय कर सकते हैं, और जो पुरुषार्थ नहीं करते मोक्ष क्या है। प्रश्न बात समझना आप, प्रश्नकर्ता ने ये कहा कि उपदेश तो बहुत लोग सुनते हैं फिर तो नहीं काम हो रहा है, ठीक है ना। अब टोडमल जी ने उत्तर दिया, वो ये कहा कि उपदेश तो शिक्षा मात्र है, अकेले सुनने से थोड़ी काम होता है, सुनते तो बहुत लोग हैं लेकिन आगे कौन बढ़ रहा है वो देखो आप। आप तो सोच रहे हो सुनने से ही मोक्ष मिल जाएगा इसलिए हम सुन रहे हैं, तो ये तो आपने सोच ही गलत कह है। अकेले सुनने से काम नहीं होगा, सुनने के बाद फिर जो पुरुषार्थ करेंगे तो काम होगा। सुनो और फिर पुरुषार्थ करो, कर रहे हो तो हो जाएगा नहीं तो नहीं होगा। और पुरुषार्थ कितने लोग कर रहे हैं आप देखो, सर्वे करके देखो आप, हजारों लोग में से भी एक नहीं मिलेगा पुरुषार्थ करने वाला, लाखों में भी नहीं मिलेगा, करोड़ों में भी नहीं मिलेगा, इतने कम लोग हैं पुरुषार्थ जीव, बहुत कम जीव है। देखो फिर देखो ये इसका उत्तर ही पढ़ता हूँ। उसका कारण यही है कि जो उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते हैं वे मोक्ष का उपाय कर सकते हैं, और जो पुरुषार्थ नहीं करते वे मोक्ष का उपाय नहीं कर सकते। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है। एक क्लास में 50 विद्यार्थियों को एक जैसे एनवायरमेंट में एक ही टीचर और एक ही साथ एक जैसी कंट्रोल्ड सिचुएशन के अंदर एक जैसी शिक्षा दे रहा, लेकिन वो उनमें से कोई बालक फेल हो जाता है, कोई पास हो जाता है, कोई सेकंड डिवीजन आता है, हैं? तो ये सब क्यों हुआ, कोई फेल क्यों हुआ और कोई पास क्यों हुआ? क्योंकि पास जो हुआ ना उसने ज्यादा पुरुषार्थ किया, जिसने पुरुषार्थ नहीं किया वो फेल हो गया, जिसने कम किया वो सेकंड डिवीजन रह गया। तो इसलिए पुरुषार्थ जैसा करे वैसा फल मिलता है। उपदेश तो शिक्षा मात्र, अकेले उपदेश से काम नहीं होगा, उपदेश के आगे भी कोई है सीढ़ी, वहां तो चढ़ो आप, थोड़े उपदेश तो सुन लिया आपने, उसके आगे क्यों नहीं बढ़ते हो, वो ये टोडरमल जी कह रहा है, ठीक है। फिर देखो अब शिष्यकर्ता वो कह रहा है ठीक है, आप कह रहे हो ना कि मतलब कोई पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हैं, उपदेश सुनते हैं लेकिन पुरुषार्थ नहीं करते, तो कह रहे कि पुरुषार्थ करते हैं ना, देखो कितने लोगों ने मुनि दीक्षा ले ली, क्या कह रहे थे। अब देखो प्रश्न देखो, टोडरमल जी ने कहा था कि फल तो जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है, उपदेश से कोई काम नहीं होगा। तो उन्होंने कहा जो कुछ लोग उपदेश सुने उसके बाद भी उन्होंने पुरुषार्थ किया, बहुत लोगों ने घर परिवार छोड़ दिया, दीक्षा ले ली और इतना सब कर रहे, फिर क्यों नहीं उनका मोक्ष हो रहा है, ऐसा प्रश्न किया। देखो प्रश्न भी पढ़ लो, मैंने हालांकि आपको ऐसी बता दी, पढ़ लो, इंटरेस्टिंग चीज है इसलिए पढ़ लो। फिर प्रश्न है कि द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष के अर्थ, अर्थ माने लिए, मोक्ष के लिए गृहस्थपना छोड़कर तपश्चरणा आदि करता है, वहां पुरुषार्थ तो किया लेकिन काम सिद्ध नहीं हुआ, इतना पुरुषार्थ किया घर परिवार छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया, कितना उसने त्याग किया बेचारे ने, सब पानी में गया, कुछ मोक्ष नहीं मिला उसका, ऐसा। इसलिए पुरुषार्थ करने से तो कुछ सिद्धि नहीं, ऐसा समझना आया उस शिष्य को, है। तो टोडरमल कह रहे अरे भाई पुरुषार्थ ही आप उल्टा करोगे तो कैसे सिद्धि मिलेगी, क्या कह रहे हैं, पुरुषार्थ तो किया हम मान रहे किया, लेकिन वो पुरुषार्थ तो उल्टा किया ना, झूठा किया। किसी ने कहा कि साहब दिल्ली जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, ट्रेन पकड़ लो आप, ट्रेन पकड़ लेते हैं ठीक है, एक ऐसी गए किसी भी ट्रेन में जाकर बैठ गए, ट्रेन जा रही है मुंबई की तरफ और उसको जाना था दिल्ली की तरफ, तो वो बोलेगा देखो आपने कहा था पुरुषार्थ करो ट्रेन पकड़ो, मैंने पकड़ ली, मैं बैठ गया, मेरा पुरुषार्थ में क्या करनी है बताओ, क्यों नहीं मैं दिल्ली पहुंचा, तो भाई तेरा पुरुषार्थ गलत था, गलत पुरुषार्थ करोगे तो काम से नहीं। देखो पहली स्टेज तो ये थी कि शिष्य ये सोच रहा था कि मैं उपदेश सुनूंगा उसी से मेरे को मोक्ष मिल जाएगा, तो टोडरमल जी का नहीं, अकेले उपदेश से मोक्ष नहीं मिलेगा, आगे पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तो अब दूसरी स्टेज खड़ी हो गई, अच्छा पुरुषार्थ करना पड़ेगा ठीक है मैं पुरुषार्थ भी करता हूँ, तो अब फिर नहीं नहीं गलत पुरुषार्थ मत करना, सही पुरुषार्थ करना, ये दूसरी स्टेज है फिर, ठीक है ना। तो अब देखो ये इसका उत्तर भी हालांकि मैंने आपको बताया लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, बड़ा अच्छा है। अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो, अन्यथा पुरुषार्थ से उल्टा पुरुषार्थ करो और सोचे कि मेरा काम हो जाए, नहीं होगा। तपश्चरणादि व्यवहार साधन में
अंगारी होकर प्रवर्ते उसका फल शास्त्र में तो शुभबंध कहा है, है? तपश्चरण किया, द्रवलिंगी मुनि ने तपश्चरण किया, गर्भवती छोड़ दी, बहुत किया, तो कह रहे कि ठीक है ना, जैसा पुरुषार्थ किया वैसा फल उसको भी मिलेगा, शुभ बंध मिलेगा उसको, शुभ बंध होगा, उसने इतना त्याग किया ऐसे नहीं जाएगा, शुभ बंध होगा उसको, और यह उससे मुक्त चाहता है तो कैसे मतलब ये चाहता है, जैसे कोई बीज तो वो है बबूल का, बबूल होता है ना, कांटे वाला पेड़ होता है, इसमें कांटे होते हैं, बबूल के अंदर गोंद आता है, तो वो बबूल का बीज बोए और चाहे कि इसमें फल लग जाए आम के, ऐसे हो सकता है, मतलब जैसा बीज बोओगे वैसा फल आएगा, बीज तो आपने बबूल का बोया और फल चाह रहे हो आम के, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो इसी तरह से आपने पुरुषार्थ तो किया था शुभ बंध का और आप चाह रहे हो कि इससे मेरे को मोक्ष मिल जाए, तो वो नहीं मिल सकता, वो नहीं मिल सकता, जो जैसा कर्म किया है वैसा ही फल मिलेगा। अब देखो फिर प्रश्न गजब, मतलब प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर की श्रृंखला ही चल रही है, लाइन पे लाइन चल रही है, ऐसा लग रहा है तर्क उत्तर चल रहे हैं, वाद विवाद चल रहा है, है? तो देखो शिष्य कह रहा है ठीक है, तो ये जो मुझे भ्रम हुआ, देखो आप ये शिष्य की ओर से, चोड़मल जी की तरफ से नहीं, आप सुनना, चोड़मल जी ने ये कहा कि जैसा पुरुषार्थ करोगे फल वैसा मिलेगा, यदि आप झूठा पुरुषार्थ करोगे तो फल भी झूठा ही मिलेगा, मुक्त तो मिलेगा नहीं। तो अब शिष्य कहता है अच्छा इसमें भी मेरी क्या गलती, शिष्य क्या बोलता है इसमें मेरी क्या गलती, मेरे को ऐसा जो अज्ञान हुआ ऐसा भ्रम हुआ, ये कर्म के कारण ही तो हुआ, ये मुझे क्या मालूम कि ये बबूल का पेड़ है इसमें से मैं, ये तो मेरी मेरी को कुछ नहीं, ये कर्म नहीं, इतना ज्ञान मेरे अंदर भर दिया है, इतना भ्रम मेरे अंदर उत्पन्न कर दिया कि मैं खुद ही परेशान हूं। देखो समझ रहे हैं आप, मतलब इस चीज का भी दोषारोपण कर्म पर है ना। देखो पंडित जी के पास कमी नहीं है जवाब की, वो जवाब पे जवाब दे रहे हैं, गजब का जवाब है, देखो गजब का जवाब बहुत अच्छा है, एकदम ऐसी लिंक बनी हुई है जो बीच में छोड़ ही नहीं सकते इसको, ऐसा लग रहा है। देखो यहाँ प्रश्न क्या है कि भ्रम का भी कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ क्या करें, आपने कहा कि ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, हमने ट्रेन में जाके बैठ गए, लेकिन हमको कर्म ने इतना भी ज्ञान नहीं कराया कि ये दिल्ली वाली को ट्रेन कौन सी है, मुंबई की ट्रेन बैठ गए, तो ये तो कर्म की बात है, क्या करें, दर्शन हो है इतना गहरा, हमको ज्ञान नहीं होने दिया। तो पंडित जी कह रहे हैं कि ठीक है, कर्म ने आपको भ्रम किया ना, कोई बात नहीं, डरो मत, घबराओ मत, सबका इलाज है। देखो सच्चे उपदेश, उत्तर सुनना बहुत अच्छा है, सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। आपको जो भ्रम हुआ है ना, किस बात का भ्रम हुआ कि ये जो मैं महाव्रता भी कर रहा हूँ, गर्भवती छोड़ रहा हूँ, इससे मेरे को मोक्ष मिल जाएगा, यही मुक्ति का कारण है, तो ये जो भ्रम हुआ है ना आपका, ये भ्रम दूर हो सकता है यदि तत्व निर्णय करेंगे तो, स्वाध्याय करेंगे तो, पुरुषार्थ करेंगे तो, क्योंकि वो भ्रम दूर करने का भी उपाय यही पुरुषार्थ है। जिस पुरुषार्थ से आप मोक्ष मिलेगा वही पुरुषार्थ से ये भी काम हो जाएगा, मतलब ये जो भ्रम है ना ये भ्रम भी दूर हो जाएगा पुरुषार्थ, मतलब सारी घूम फिर के बाद पुरुषार्थ का है। देखो बड़ा महत्वपूर्ण है ये, देखिए सच्चे पुरुषार्थ से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है, परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता इसी से भ्रम रहता है, तुम पुरुषार्थ करते नहीं हो इसलिए भ्रम बना हुआ है, पुरुषार्थ करोगे तो वो भ्रम भी दूर हो जाएगा और जो काम चाहोगे वो भी हो जाएगा। इसके लिए क्या करे, निर्णय करने का पुरुषार्थ करो, निर्णय करो कि किस चीज से मोक्ष होगा किससे नहीं होगा, ये निर्णय करो। देखो जो ये समझते हैं कि मैं महाव्रता भी पालन कर लूंगा इससे मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा कर लूंगा इससे मुक्ति मिल जाएगी, मैं तीर्थ यात्रा चला जाऊंगा, मैं व्रत कर लूंगा, मैं जप कर लूंगा, तो कह रहे कि ये जो भ्रम है ना ये भ्रम भी आपका शास्त्र स्वाध्याय करने से दूर हो जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में जगह जगह ये बात लिखी हुई है, आप तो सब जानते हो, पढ़ रहे हो इधर उधर, तो ये सब लिखी हुई है, तो भ्रम दूर हो जाएगा। तो छोटा एग्जाम्पल है, लेकिन यही नहीं और भी जितने भ्रम होंगे आपके दूसरे भी, वो सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। जिन वाणी के अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, शास्त्र स्वाध्याय, जिन वाणी मतलब स्वाध्याय, जिन वाणी तो ये शास्त्र करो इसमें तो नहीं मानते है, लेकिन इसको यदि हम पढ़ेंगे स्वाध्याय करेंगे तो इतनी शक्ति है कि कर्मों का क्षय उपशम होने की ताकत है उसके अंदर, कर्म के उपशम हो जाएंगे जिन वाणी को पढ़ने से। तो ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया, अतिशयोक्ति हो गई, आपको लगे ये अतिशयोक्ति, ऐसे थोड़ी होता है, कैसे होता है देखो, आपने
ये सुना है कि 12 प्रकार के तप और एक तप से दूसरा तप बड़ा है, दूसरे से तीसरा बड़ा है, तीसरे से चौथा बड़ा है, ये भी सुना है ना आपने। तो ये स्वाध्याय कौन से नंबर का तप है? उसमें 10वें नंबर का तप है। 12 तो तप सारे ही है टोटल, और उसमें भी 10वें नंबर पे आता है स्वाध्याय। और आप जो पहले नंबर का उपवास है उसी को करने के बाद ये लगता है कि हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं। तो आप सोचोगे जब बहुत बड़े तपस्वी से दूसरा वाला और बड़ा, तीसरा और बड़ा, चौथा और बड़ा, तो 10वां कितना बड़ा होगा? और तप सारे जरा से ये भी सूत्र सुना है कि नहीं आपने? अब देखना, लिंक बिठाऊंगा इनमें। पहले आप दो चीज अलग अलग समझ लो, फिर दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ते फिर आपको आनंद आ जाएगा। एक चीज तो ये समझ लो कि ये स्वाध्याय 10वें नंबर का तप है जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है? एक चीज हो गई, अब इसको साइड में रखो। अब दूसरी चीज समझो, दूसरी है तप सा निर्जरा से, कि तप से निर्जरा होती है, ठीक है? अब पहली चीज क्या पड़ी थी कि स्वाध्याय सबसे बड़ा तप है, तो इस स्वाध्याय से निर्जरा होती है, ये निष्कर्ष निकला कि नहीं निकला? ये दोनों सेंटेंस को जोड़ के हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्वाध्याय करने से कर्मों की निर्जरा होती है, होती है कि निर्जरा? तो ये जो मोहित कर्म जो आपको ये आड़े आ रहा है, ये काम नहीं बनने दे रहा है, जो भ्रम उत्पन्न कर रहा है, जो जिसके लिए आप बार बार कह रहे हो कि ये इसी के कारण मुझे भ्रम हुआ था, इसी के कारण ये हुआ, सब दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा, टेंशन मत करो, ऐसा बताने को कह रहे कि चलो दूर नहीं भी हुआ, मान लो आपका उपसाथ कमजोर रह गया, आपने नहीं किया तो उपशमित हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, क्षय थोड़ा बड़ा है, क्षय से उपशम हो जाएगा, वो भी नहीं क्षय उपशम हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा, और आपका वो भ्रम दूर हो जाएगा। सम्यक दर्शन चाहे क्षयोपम वाला हो, चाहे क्षयिक वाला हो, चाहे औपशमिक वाला हो, आप उनकी क्वालिटी मत देखो, तीनों की क्वालिटी एक जैसी होती है। क्या समझ में आई बात? ये थोड़ी अलग चीज सुन रहे होंगे। जब हमने गुण स्थान पढ़ा था करुणा योग में, तब आपको दूसरी चीज बताई थी मैंने, तब ये कहा था कि सबसे बढ़िया सम्यक दर्शन है क्षयिक वाला, है ना, उससे घटिया वाला है औपशमिक वाला, और उससे घटिया वाला क्षयोपशमिक वाला, वो करुणा योग की भाषा थी, इसलिए ऐसा बताया ना। लेकिन आज मैं उसके अपोजिट बोल रहा हूँ, आज मैं ये कह रहा हूँ कि तीनों ही सम्यक एक जैसे हैं, उसकी अपेक्षा है, वो सम्यक छूट जाने की अपेक्षा घटिया बढ़िया बताया था, लेकिन जब तक रहेंगे तीनों में से कोई भी, कोई भी तीनों में से कोई जब तक रहेंगे, चाहे वो कितने भी देर रहे, अंतर उससे कम तो रहते हैं, तो उतने समय तीनों का एक्सपीरियंस, तीनों का अनुभव एक जैसा है, आत्मा एक जैसी दिखेगी तीनों में, दिखेगी मतलब अनुभव होगी, दिखती तो नहीं, दिखती तो केवल ज्ञान की है। तो ये जो चीज है बड़ी महत्वपूर्ण है, बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो देखो फिर से इसका उत्तर एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। सत्य उपदेश सुनो, उसी को सुनते रहो, प्रीति से, श्रद्धा से, प्रेम से उसको सुनते रहिए, सुनने से भ्रम दूर होगा। परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता। कौन सा पुरुषार्थ? कितना इजी सा पुरुषार्थ दिया है, काम भी बताया तो इजी सा ही बताया, टफ नहीं है ये काम। अब ये बताओ, स्वाध्याय करना कठिन है कि सरल है? पढ़ना ही तो है। मैं गांव में गया एक बार, अपने गांव में गया, एक दो पुराने मित्र मिले मुझे, तो पुराने मित्रों ने कहा भाई तुम क्या करते हो? तुम बम्बई में पढ़ाते हो? अरे साहब बहुत अच्छा, तुम तो आराम से कुर्सी बैठ के पढ़ाते हो, तुमको तो कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। हम देखो खेत में हल चलाते हैं, खेत में हल चलाते हैं, इतने मेहनत करते हैं। मैंने कहा भाई पढ़ाने में भी मेहनत होती है, हमको भी मेहनत लगती है, पढ़ना पड़ता है, मेहनत होती है, हमारा दिमाग ही काम है, तुम्हारा शरीर का काम है। अरे नहीं नहीं पढ़ाने में तो बस पढ़ते रहो, और करना है क्या है, दूसरा कुछ काम ही नहीं है, बस पढ़ते ही रहो। तो ऐसी ही है, पढ़ने में कितनी मेहनत है कितनी नहीं है वो तो अपनी अपनी दृष्टिकोण है। लेकिन कुल मिला के आपको सिर्फ एक ही पुरुषार्थ करना है कि दिनवाणी का स्वाध्याय करना है। ये सबसे बड़ा तप है, और इस तप से क्या होगा, कर्मों की निर्जरा होगी, उपशम होंगे, क्षयोपशम होंगे, और आपको सम्यक भी इन्हीं से मिलेगा, भ्रम भी इन्हीं से दूर होगा। सब चीज की एक ही, हर मर्द का एक ही इलाज है, हर रोग की एक ही दवा है, सात स्वाध्याय। क्योंकि देखो इस पंचम काल में आत्मा का ध्यान मतलब सुख ध्यान वो तो नहीं है, और आत रोग ध्यान करने नहीं है, तो बच्चा क्या, धर्म ध्यान, और धर्म ध्यान किससे होगा, सात स्वाध्याय। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर क्यों दिमाग बढ़ता है, सात स्वाध्याय करो। देखो इसका उत्तर पढ़ के फिर पूरी कर देते हैं, टाइम हो रहा है इसलिए,
है सत्य उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है, परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, इसी से भ्रम रहता है। कौन सा पुरुषार्थ नहीं करता? शास्त्र स्वाध्याय का पुरुषार्थ नहीं करता। उल्टी सीधी क्रिया क्यों करते हैं लोग, क्यों पंचांग तप करते हैं? वो सोचते इससे मोक्ष मिलेगा। जब ये शास्त्र में ये पढ़ लेंगे कि पंचांग तप से मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष तो रत्न तप से मिलेगा, तो वो जीव कभी भूल कर भी पंचांग तप नहीं तपेगा। लेकिन भ्रम दूर हुआ कि नहीं हुआ? होगा। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे, किससे निर्णय करे? शास्त्र स्वाध्याय। तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म है, ये मोटी बात है, ये बहुत गजब की बात है। जिस मोह कर्म के कारण आप सोचते हो कि इसने हमको सब रोक रखा है, कह रहे कि इतना भारी जो मोह कर्म है, जो कर्मों का राजा है, उस मोह कर्म के भी उपसमाधि हो जाएंगे और भ्रम दूर हो जाएगा। भ्रम किसने पैदा किया? दर्शन मोह ने। भ्रम कौन सा है? देखो दो तीन प्रश्न छोटे 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 खुद ही। हमें किस चीज का भ्रम है? कि हमने इस शरीर को आत्मा माना है, हम भेद विज्ञान नहीं कर पा रहे हैं, ये भ्रम है सबसे मोटा। तो ठीक है, ये भ्रम किससे हुआ? ये भ्रम दर्शन मोह से हुआ। छोटे छोटे प्रश्न कि दर्शन मोह से हुआ, कि ये दर्शन मोह कैसे दूर होगा? कि स्वाध्याय करो, इसी से इसका दूर, ये उत्सम वगैरह जो भी होना इसी से होगा। तो अच्छा, और सीधी सीधी बात है, छोटी छोटी सेंटेंस में पूरी हो जाएगी। यहाँ सेंटेंस लंबा है, आप उसके टुकड़े करके छोटे छोटे सेंटेंस बना लो, छोटे छोटे उत्तर लिख लो, हो गया उत्तर, उसमें समाधान है। मतलब जो यदि आप कंटिन्यू दिनवाणी सुन रहे हैं हर रोज प्रतिदिन, हम तो देखो 7 दिन में एक बार मिलते हैं, बहुत लंबा गैप होता है, है ना? इतना गैप नहीं होना चाहिए, हालांकि करेंगे हम कोशिश कुछ कोई भी। तो क्या है, हर रोज तो दिनवाणी सुनना और बहुत गंभीरता से सुनना, है ना? और स्थूल बातों को भी, मतलब आपको जब तक जोरदार मैटर ना मिले तब तक उसमें लगे ही रहना, ऐसी जबरदस्त बात है ये, है ना? तो भ्रम दूर हो जाए, क्योंकि निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धि। देखो अगला इसमें ये कह रहे हैं कि जो भ्रम दूर हुआ ना, शास्त्र स्वाध्याय से दर्शन मोह का जो उपशम हुआ, यानी भ्रम दूर हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि जब आप शास्त्र स्वाध्याय करेंगे तब आपके परिणामों में विशुद्धि बढ़ेगी। देखो कर्मों का उपशम होना नहीं होना वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम उसके उपादान करता नहीं है। ठीक है, समझ गया? हम तो उपादान नहीं है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। तो कह रहे कि वो कैसे होगा? कि आपको उसी चिंता मत करो, आप जब स्वाध्याय करोगे तो आपके परिणामों की विशुद्धि होगी, उस विशुद्धि के निमित्त से वो कर्म का उपशम हो जाए, विशुद्धि के निमित्त से हो जाए। गजब बात है, उससे मोह के स्थिति अनुभव घटते हैं। देखो उपशम भी होगा और स्थिति अनुभव भी घटेंगे। कर्म जो 70 पूरा कोई सागर था, सिमट के कम हो जाएगा, 60 रह जाएगा, 50 रह जाएगा, 40 रह जाएगा, तो स्थिति भी कम होगी और अनुभव भी कम होंगे। मान लो कोई को बहुत ज्यादा ही मन नहीं लगता स्वाध्याय में, तो धीरे धीरे मन लगने लग जाएगा। देखो जब हम पहली बार जयपुर गए थे, हम जयपुर में पढ़े हैं, ये जितना भी जिनवाणी का जो भी सीखा हमने जयपुर में सीखा, तो जयपुर में उस महाविद्यालय में जाते थे, तो वहाँ पहली बार जब एडमिशन लेते थे तो क्या बताए, थोड़ी सी बात ऐसी है, वहाँ हमको एक ही प्रश्न पूछते कि भाई क्यों आ रहे हो, क्यों यहाँ पढ़ना चाहते? तो वह झूठ मूठ ये कहते हैं, नहीं नहीं हम जिनवाणी पढ़ना चाहते हैं। छोटा बालक क्या जाने उस वक्त, तो उसको रटा रटाया उत्तर एग्जाम में, तो धर्म पढ़ने के लिए जाना, तो ऐसा बोल तो दिया, बोल दिया, और झूठ मूठी अब तो मैं तो स्वीकार कर ही रहा हूँ कि हमने झूठ ही बोला। लेकिन और फिर मन भी नहीं लगता था, देखो झूठ बोल दिया तो मन भी नहीं लगता था, और स्वाध्याय समझ में भी नहीं आता था। साल दो साल तीन साल तक बहुत बड़ी मुश्किल से किसी तरह से सुनते थे, लेकिन समझ में नहीं आती थी चीज। तो अब वो, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो चीज समझ में आने लगी। वो क्यों आई? क्योंकि दो तीन साल सुना ना, जैसे भी सुना तो सही, उसी से धीरे धीरे सुनना कैसे है, वो समझना कैसे, वो आ गया, फिर रुचि बन गई, रुचि बन गई, फिर और सीख लिया। तो इस तरह से आप क्या है कि उसमें लगे रहिए, लगे लगे सब काम हो जाएगा। हम जगत में भी कोई काम करते हैं तो बहुत लगे रहते हैं, इसी तरह लगे रहिए। अभी ये जो प्रकरण है पूरा नहीं हुआ, इस प्रकरण बहुत मजेदार, मतलब वो है क्या बोलते, डिबेट चल रही है। प्रोटोमल जी और उनका शिष्य कोई है नहीं, वो खुद ही उन्होंने शिष्य खड़ा किया हुआ है। तो दो लोगों के लिए जो डिबेट चल रही है, वो डिबेट बहुत गजब की चल रही है और बहुत महत्वपूर्ण बातें अभी इसमें और आगे आएंगी। इस समय अपना हो गया, इसलिए आज की चर्चा को तो यहीं विराम देते हैं और आगे की चर्चा अगली कक्षा में करेंगे।
और मैंने बहुत तेजी से जो है विषय को मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। आज स्पीड बहुत ज्यादा थी, तो हो सकता है आपको कितना ख्याल में आया नहीं आया मुझे मालूम नहीं, लेकिन यदि कोई प्रश्न हो जिज्ञासा हो तो आप पूछ लीजिए। सर हाँ जी सर सर, ये आपने पुरुषार्थ बताया, वो भी सच्चा पुरुषार्थ, जैसे कि स्वाध्याय, वो सच्चा पुरुषार्थ है, पर मेरा पुण्य का उदय भी होना चाहिए ना वो सच्चा पुरुषार्थ करने के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये का यही प्रश्न यहीं पे, ये जो पेज देखो जहाँ अपन ने रोका है ना आज, अभी इससे अगली लाइन आप पढ़ लीजिए, आपका ही प्रश्न लिखा हुआ है, आपका ही प्रश्न लिखा हुआ है, जस्ट अगली लाइन जो जहाँ आज हम रुके हैं उससे अगला ही लाइन में आपका प्रश्न लिखा हुआ है कि ये जो सात स्वाध्याय निर्णय करने में, या निर्णय शब्द आया आपने प्रश्न सात स्वाध्याय तो की बात, निर्णय करने में उपयोग नहीं लगता उसका भी तो कारण कर्म है, यही प्रश्न है ना आपका। मतलब आप जितना भी बोलेंगे कि स्वाध्याय करना चाहिए, पर मेरा पुण्य ही नहीं होगा तो मैं नहीं करने वाला हूँ स्वाध्याय। कर्म है, पुण्य है, ये सब यही चीज आ गई। देखो ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो हमारे मन में उत्पन्न हो और टोलमल जी ने लिखा हो, यही प्रश्न लिखा। देखो क्या है, टोलमल जी ने इसका उत्तर भी ऐसे दिया है कि आपका जो पुण्य, आपका जो प्रश्न है ये है कि भाई हमारा इतना पुण्य होगा तभी तो हम सात स्वाध्याय कर पाएंगे, नहीं तो कैसे करेंगे। तो टोलमल जी ये कह रहे हैं कि ठीक है हम आपकी बात बिल्कुल मानते हैं, बिना पुण्य के तो आपको देव सात गुरु का निमित्त ही नहीं मिलेगा, लेकिन अब मिला कि नहीं मिला पहले तो आप ये देखो। टोलमल जी कह रहे हैं कि आपको यदि पुण्य का उदय नहीं होता तो देव सात गुरु का सानिध्य मिलता कि नहीं मिलता, ये देखो टोलमल जी ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, तो कह रहे कि आप ग्रंथ पढ़ रहे हो ना, ये आपको पुण्य के उदय से ही पुण्य मिला है। वो कह रहे कि आप ये मोक्ष में प्रकाशक पढ़ रहे हो ना, ये भी पुण्य के उदय से ही मिला है, तो इसलिए अभी वो प्रश्न तो मतलब आउट ऑफ डेट हो गया। यदि नहीं मिलता तब तो हमारी बात सही थी, अरे क्या करें हमको मिल नहीं रहा है हमारे कोई पुण्य का उदय, वो कह रहे मिल गया ना, यानी कि आपको पुण्य का उदय है। ऐसा ऐसा उत्तर दिया है उन्होंने, गजब के उत्तर है, गजब की बातें हैं, और ऐसा लगता है मैं भी नहीं कर पाता हूँ, मेरे को भी रात को जब मैं सोता हूँ बिस्तर में तो मेरे को भी बहुत यूं लगता है कि ये मन शरीर का खेल निकल रहा है और कमी सी खलती रहती है कि कुछ तो कमी है जिंदगी में, कुछ तो कमी है, और वो कमी यही है कि असली जो है, क्योंकि इतना कीमती मन जीवन तो निकल रहा है, फिर अनाथि संसार है उसकी यदि हम कल्पना करें तो बहुत ही अथाह लंबा काल है वो, पंच परावर्तन जब पढ़ते हैं तो कल्पना के परे है वो, इतना लंबा था, तो चिंता करने से भी कुछ नहीं होगा, जब होना होगा तभी होगा, लेकिन कुल मिला के वो चीज हमें भी लगती है, सबको लगती है, लेकिन फिर भी यथासंभव हमको 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना समय दे सकते हैं उतना आत्मा को जानने के लिए भी देना चाहिए। ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोग सुनने में देते हैं, पढ़ने में देते हैं, स्वाध्याय करते हैं, माला करते हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन इन सब को छोड़ के आत्मा को जानने में कितना समय देते हो, वो है मेन चीज एकदम, तो वो बहुत जरूरी है, उसके लिए हमको पुरुषार्थ करना चाहिए। ठीक है जी, और कुछ? थैंक यू सर। हाँ थैंक यू, और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और बाकी तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद, जय जिनेंद्र। धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू सर, जय जिनेंद्र, थैंक यू, हाँ जी, थैंक यू, जय जिनेंद्र, थैंक यू।